हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के चार धाम में से एक यमुनोत्री धाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस वर्ष यमुनोत्री धाम जाने की योजना बना रहे हैं, यानी आप यमुना नदी का उद्गम स्थान देखने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। यमुनोत्री आप कैसे जाएँ, कब जाया जाए, कितना खर्चा आएगा, होटल व रहने की क्या क्या व्यवस्था है, जाने का साधन कैसे और कहां से है, और आपको ये टूर इस तरह से प्लान करना होगा। देखते रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों या परिवार वालों को जो कि चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब की बटन को दबाकर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो को इन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल 2023 में 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया दिन खुलेंगे और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक खुले रहेंगे, और भैया दूज के बाद यानी 14 नवंबर के आसपास ये पट बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के चार धामों यात्रा में सबसे पहले जिस तीर्थ का या स्थान का नाम लिया जाता है वो यमुनोत्री ही है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,800 फीट की आसपास होगी। यही वो स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यमुनोत्री कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, यमुनोत्री या फिर चार धाम की यात्रा की किसी भी स्थान पर जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हरिद्वार या ऋषिकेश बाय रोड अपनी गाड़ी से, टैक्सी से या फिर बस के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी आसपास के बड़े शहरों से या नज़दीकी राज्यों से काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा रेल मार्ग से आप हरिद्वार या ऋषिकेश आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट है, जिसकी दूरी ऋषिकेश से 20 किलोमीटर होगी। आप हरिद्वार पहुंचने के बाद यमुनोत्री जाने के लिए केवल सड़क मार्ग ही है। यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जानकी चट्टी। आज के वर्तमान समय में यहीं तक सड़क बनी हुई है। आप अपनी गाड़ी, बस या ट्रेवल टैक्सी आदि से यहां तक पहुंचना होता है, और इसके बाद पैदल यात्रा तय करते हुए यमुनोत्री धाम के दर्शन करने पड़ते हैं। आपको यहां तक पहुंचने में प्रत्येक दिन सुबह हरिद्वार बस अड्डे से नियमित रूप से बस सेवा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून में बहुत सी ट्रेवल एजेंसियाँ हैं, जहाँ से आप जीप, टैक्सी, टेम्पो, ट्रेवलर बुक करके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो शेर जीप या टाटा सोमो से भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जानकी चक्की तक आपको अपने प्राइवेट वाहन से भी जा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता देहरादून मंसूरी पर कोट होते हुए जाता है, जिसकी दूरी 223 किलोमीटर पड़ती है। दूसरा रास्ता ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंपा, टेहरी व बरकोट होते हुए जाता है। इस रास्ते की दूरी 262 किलोमीटर पड़ती है। ये दोनों रास्ते बरकोट नामक जगह पर मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बस से जाते हैं तो इस यात्रा को करने में आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, बस का किराया लगभग 400 रुपया के आसपास पड़ता है। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो भी आपको 6 से 7 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है जिसमें गाड़ियां बहुत ही धीमे चलती हैं। टैक्सी आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के आसपास बहुत सारे ट्रेवल एजेंट के पास से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, एक बार जानकी चट्टी पहुंच गए तो इस वीडियो को आगे की बात करते हैं कि यहां पर आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या क्या ऑप्शन है। यहां पर आपको GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जैसे GMVN फूल चट्टी, अतिथि निवास, GMVN टूरिस्ट गेस्ट हाउस आदि। इनको आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि यात्रा के सीजन में यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे आप ऑनलाइन बुक कराकर आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल
में रूम या धर्मशाला में मिल जाएंगे। इसके रेट लगभग 600 रुपए से लेकर 800 रुपए शुरू होते हैं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको लगभग हर तरह से सादा टेस्टी अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। खाना खाने में लगभग 70 रुपए से 80-100 रुपए तक एक बार का खर्च हो जाएगा अगर आप थाली की बात करें। इसके बाद डिनर करके आप आराम कीजिए और हमारा डे वन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं यमुनोत्री धाम दर्शन करने की। अगली सुबह सुबह यानी डे टू पर आपको सुबह उठकर जाना होगा जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए यानी पैदल यात्रा करते हुए यमुनोत्री धाम। यहां पर आपको पैदल यात्रा नहीं करनी है तो आपके पास घोड़े पालकी पिट्ठू ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किराए की बात करें तो घोड़े खच्चर का चार्ज 700 रुपए से 800 रुपए पड़ता है, पालकी वाले लगभग 2000 रुपए से 2500 रुपए चार्ज कर लेते हैं और पिट्ठू वाले 800 रुपए से 1000 रुपए आपको ले लेंगे। दोस्तों ये सभी चार्ज आने व जाने को मिलाकर बताया हूँ, ये सभी चार्ज आपके वजन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा काफी रोमांचक व सुंदर दृश्यों से भरी होती है। इस यात्रा को करते हुए बगल में बहती हुई यमुना नदी इस रास्ते को और ही खूबसूरत बना देती है। रास्ते में बहुत ही टी पॉइंट व नाश्ता के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जगह जगह पर पानी व विश्राम की भी व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों अपने साथ यात्रा के दौरान कुछ दवाइयाँ, रेनकोट या फिर छाता जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी बरसात हो सकती है। इसके अलावा चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और समुद्र तल से इस इलाके के काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर अनुमान गर्मियों के समय में भी काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, तो अपने साथ गर्म कपड़ा लाना बिल्कुल न भूलें। चलिए इसके बाद दर्शन कर लीजिए यमुनोत्री मंदिर का और अगर चाहे तो उद्गम स्थान यमुनोत्री नदी का यानी सबसरोवर कालिंग पर्वत पर स्थित सत्य ऋषि कुंड वहाँ भी जा सकते हैं जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पड़ती है। यमुनोत्री धाम में आसपास यहाँ कुछ और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए आपको दर्शन करके उसी दिन वापस जानकी चट्टी तक आना होगा और डे टू में जानकी चट्टी के बाद आपको होटल में रेस्ट करना होगा। इस तरह से हमारा डे टू यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद डे थ्री में अपनी हरिद्वार या ऋषिकेश की वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आप चार धाम यात्रा एक साथ कर रहे हैं तो फिर अपनी अगली धाम यानी गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों जब भी यमुनोत्री धाम का ट्रिप का प्लान कर रहे हों तो कम से कम 3 दिन का या 4 दिन का जरूर प्लानिंग करिएगा क्योंकि 1 दिन आपका हरिद्वार से यमुनोत्री आने में और 1 दिन दर्शन करने में और 1 दिन वापस जाने में खर्च हो जाता है। अगर आप मई व जून में यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इस समय यहाँ के सभी खाने पीने व होटल के रेट थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यहाँ जाने के सबसे बेस्ट मौसम की बात करें तो आपको सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर जाने का प्लान करना चाहिए। इस समय यहाँ पर भीड़ कम होती है और मौसम भी काफ़ी खुशहाल होता है। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में अब बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। अगर एक नॉर्मल बजट लेकर चलें तो एक आदमी का हरिद्वार से यमुनोत्री आने व जाने का 800 रुपए से 1000 रुपए और यमुनोत्री से यानी जानकी चट्टी में रुकने व खाने पीने का 1000 रुपए से 1500 रुपए तक खर्चा होगा यानी कुल मिलाकर 2500 रुपए से 3000 रुपए में आप यमुनोत्री के धाम के दर्शन आराम से कर लेंगे। दोस्तों इस किराए में मैंने एक नॉर्मल बजट रूम या तेल गाड़ी का किराए को जोड़ा है, आपके शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश तक आने व जाने का किराए को नहीं जोड़ा है। तो दोस्तों ये था यमुनोत्री धाम का संपूर्ण यात्रा का वर्णन। आने वाले दिनों में हम अपने इस चैनल पर चार धाम का कम्प्लीट 10 दिनों का टूर प्लान भी लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आप पूरी चार धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों में और परिवार वालों को भी जो कि यमुनोत्री धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, आप सुरक्षित रहिए। जय यमुनोत्री माँ, जय महादेव।